हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि महाभारत में चरमनबती किस नदी को कहा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबल चरमा बती, बती ये सारे जो नाम है वो चंबल नदी को दिए गए हैं मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है तो इसका जो सही आंसर है वो है काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आंसर किया है मिली चौहान ने बहुत अच्छा महाभारत में चंबल नदी चरमनबती नदी कहा गया है मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले यहां पे लिखा इन्होंने कि जाना पाव पहाड़ी से निकलती है महू के निकट ठीक है इस नदी में पूरे वर्ष पानी बहता रहता है इसलिए इसे बारह मासी नदी कहते हैं कोलंबाई नौ किलोमीटर है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल की सहायक नदी कालीसिंध बनास शिप्रा पार्वती बामनी इस नदी पर जो बांध बने हैं वो हैं गांधी सागर राणा सागर जवाहर सागर और प्रमुख बांध है ये कोटा बैराज ठीक है दूसरा जो प्रश्न है काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में पांच प्रकार की मिट्टियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं है। इनमें से काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र साधारण गहरी काली मिट्टी का है काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारिय होती है ठीक है इसका जो पी मान है वो सेवन होता है काली मिट्टी का बाहुल्य मालवा का पठार में पाया जाता है काली मिट्टी का जो काला रंग है वो लोहे की वजह से होता है ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं काली मिट्टी में बालू की कमी होती है मध्य प्रदेश में सैतालीस दशमलव छह भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है ये देखिए एक्चुअल में क्या है अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिलता है कहीं कुछ है कहीं कुछ है ठीक है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है लगभग तीन लाख एकड़ में फैला हुआ है काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में बेसाल्ट जो चट्टाने हैं उनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है ठीक है तो ये भी आप ध्यान रखिए काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है लावा से बनी मिट्टी काली मिट्टी के प्रकार की होती है मतलब लावा से ये जो मिट्टी है वो काली मिट्टी बनती है ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी आज का हमारा पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है तो ये बावन ठड़ी है एक्चुअल में ठीक है इसमें आप कंफ्यूज ना हो ये बाघ परियोजना है ये जोबट परियोजना है इनमें से कोई नहीं दूसरा जो प्रश्न है लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है लंबाई के हिसाब से भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है ये कमेंट करके आपको बताना है पहला करंट अफेयर है हमारा अभी हाल ही में देखिए लोक निर्माण मंत्री हैं गोपाल भार्गव गो, रहली विधानसभा सीट से जो विधायक हैं इन्होंने भी हाल में नर्मदा एक्सप्रेस वे की समीक्षा करी है नर्मदा एक्सप्रेस वे हाल ही में आपको पता होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा करी है तो मध्य प्रदेश में आप प्रमुख रूप से तीन इस तरीके के जो एक्सप्रेस वे है वो बनाए जा रहे हैं इसमें से एक तो आपका हो जाएगा भोपाल इंदौर कॉरिडोर ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका अटल एक्सप्रेस वे या अटल प्रोग्रेस वे जिसको चंबल एक्सप्रेस वे कहा जा रहा है ठीक है और तीसरा बनेगा आपका नर्मदा एक्सप्रेस वे हालांकि भी समीक्षा शुरू हुई है एक प्रेजेंटेशन बनाया गया था अधिकारियों के द्वारा तो कुल मिला के एक किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेस वे होगा इसमें से इस एक्सप्रेस वे से माँ नर्मदा पर स्थित सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा ठीक है एक्सप्रेस वे को धार्मिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त मार्ग प्रस्तावित किया जाएगा मतलब इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि धर्म से भी जुड़ जाए इकोनोमी से जो भी जुड़ जाए और जो सामाजिक दृष्टि से जो भी एक तरीके से ये जुड़ जाए यानी कि आसपास जो एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा आसपास कॉलोनी डेवलप करी जाएंगी स्कूल्स डेवलप करे जाएंगे अस्पताल डेवलप करे जाएंगे मतलब इस तरीके का इसको बनाया जाना है इस एक्सप्रेस वे का नौ किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में बनेगा ठीक है ये महत्वपूर्ण है तथा 110 किलोमीटर हिस्सा गुजरात से गुजरने वाला है ठीक है तो दो राज्य इसमें शामिल होंगे मध्य प्रदेश और आपका गुजरात ये आप ध्यान रखिए इस मार्ग में सभी प्रमुख शहरों धार्मिक और पर्यटन स्थलों तथा जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा भोपाल इंदौर के बीच प्रस्तावित सिक्स लेन कॉरिडोर की प्रगति पर भी इसमें चर्चा करी गई समीक्षा बैठक एक्चुअल में हो रही थी अगला प्रश्न है किस शहर की दीपिका चौरसिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक अभिनय करने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो ये दीपिका इनको देख सकते हैं ये इंदौर की रहने वाली हैं अभी हाल ही में दीपिका चौरसिया ने सबसे लंबे समय तक अभिनय करने का एक कीर्तिमान जो है वो अभी स्थापित किया है ठीक है इन्होंने करीब तीस घंटे तैतीस मिनट तक लगातार अभिनय करके एक यह उपलब्धि हासिल करी है तो आपको यह ध्यान रखना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है इंदौर की है दीपिका चौरस यह इनका नाम है ठीक है और ये टाइम याद रखना है कि कितना टाइम इन्होंने लगातार अभिनय किया हुआ है भारत का स्वर्णिम इतिहास एवं संस्कृति विषय पर ठीक है ये इन्होंने पंद्रह अगस्त को दोपहर दो बजकर बावन मिनट से लेकर सोलह अगस्त की रात नौ बजकर पच्चीस मिनट तक लगातार 30 घंटे 33 मिनट तक अभिनय किया है ठीक है तो ये आ, मतलब इस तरीके का जो कीर्तिमान है ये अभी पहली बार हुआ है इसलिए गिरीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ, मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है एक्चुअल में इन्होंने। तो ये पहले रिकॉर्ड किसका था इससे पहले इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो चेन्नई में बना था जिसमें एथेराज कॉलेज फॉर वुमेन की छात्रों ने 28 घंटे 34 मिनट 43 सेकंड तक सामूहिक रूप से अभिनय किया था ठीक है ये भी ध्यान रखिए कि इस तरीके का पहले हो चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियमों के मुताबिक हर घंटे पांच मिनट का ब्रेक मिलता है लेकिन दीपिका ने सिर्फ सात बार ही यह ब्रेक लिया ठीक है लगातार सबसे लंबे समय तक अभिनय करने का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार देश का स्वच्छतम शहर बना है तो, तो सबको पता है ये हमारा इंदौर है जो इस तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार देश का स्वच्छतम शहर बन गया है ठीक है तो इसके बारे में और बता दें हम आपको हमने पहले आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि करीब दस पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को मिले हैं हालांकि इस पे एक पूरा एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा मैं जैसा मैंने चंबल के लिए बनाया था तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी इन्होंने अभी हाल में हाल में क्या कल ठीक है वर्चुअल स्वच्छता महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार वितरित करे हैं तो बयालीस 42 शहरों को छोड़ के ठीक है यानी टोटल बयालीस शहरों ने इस बार हिस्सा लिया था इस सर्वेक्षण में तो इंदौर देश के बयालीस शहरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार चौथी बार देश का स्वच्छतम शहर है लगातार 2017 से 2017, 2018, 2019, 2020 ठीक है तो ये पूरे Uh, 2017 से लगातार चौथी बार देश का स्वच्छतम शहर जो है वो बना है इसके अलावा भोपाल जो है वो हमारा टॉप टेन में शामिल हो गया है साथ ही बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल यानी कि श्रेष्ठ स्वसमर्थ राजधानी के रूप में चयनित हुआ है ठीक है ध्यान रखें बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में ये चयनित हुआ है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है ठीक है ये भी ध्यान रखिए विभिन्न श्रेणियों में मध्य प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार मिले हैं इनमें से इंदौर के अलावा भोपाल जबलपुर बुरहानपुर रतलाम उज्जैन नगर पालिका सेहोरा नगर परिषद शाहगंज नगर परिषद कांटाफोड़ और छावनी परिषद महू कैंट इसमें शामिल है आपको पता होगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी इस पे पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में बना दूंगा आपके लिए ठीक है अगर आप चाहते हैं मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं ठीक है पूरा उसमें किस राज्य को कैसा मिला है कौन सा अवार्ड मिला है पहले नंबर पर कौन है दूसरे पर कौन है देखिए यहां पे अगर बात करें तो इंदौर पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर आपका सूरत है तीसरे नंबर पे है आपका नबी मुंबई ठीक है और इनसे संबंधित बहुत सारा करंट अफेयर जो है मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता रहता हूँ वहां पे अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल ठीक है और यूट्यूब पर भी आजकल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट करना शुरू कर दी हैं जो आपकी डेली करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहेंगी तो यहाँ पे देखिए अट्ठाईस दिन तक ये पूरा जो सर्वे है वो चला है और चौबीस लाख से ज़्यादा फोटोज जो है वो स्पॉट से लिए गए हैं इसमें एक दशमलव नौ करोड़ लोगों से फीडबैक लिया गया था पहली बार पूरी तरह से डिजिटलाइज और पेपरलेस सर्वे जो है हुआ है ठीक है तो ये कुछ खास बातें इसकी हो जाएंगी आगे बात करें देखिए अभी हाल ही में जो हमारा इंदौर का एयरपोर्ट है यानी कि देवी अहल्यावाई एयरपोर्ट है वहाँ पर एयर ट्रैफिक फ्लो का मैनेजमेंट और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर लगे ए सिस्टम को मुंबई एयरपोर्ट तक इंटीग्रेटेड कर दिया गया है ए डी एस बी की अगर हम बात करते हैं तो ए डी एस बी सिस्टम होता है आपका ऑटोमेटिक ध्यान रखें ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलायंस बी मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ठीक है ये पूरा इसका फुल फॉर्म होता है तो इसको मुंबई एयरपोर्ट तक इंटीग्रेटेड कर दिया गया इससे अब मुंबई एयरपोर्ट जो है वो इंदौर के आसमान में आने जाने वाले विमानों पर भी नजर रख सकेगा एडीएस बी सिस्टम अहमदाबाद और नागपुर एयरपोर्ट से पहले से ही इंटीग्रेटेड है अब इसे जल्दी दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करेंगे ठीक है इससे फायदा क्या होता है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस सिस्टम से आपका जो आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट पर आने से पहले जो प्लेन है वो चक्कर लगाता है एयरपोर्ट के आसपास के ठीक है और इससे क्या होता है फ्यूल की बहुत बर्बादी होती है ठीक है क्योंकि ये एक्स्ट्रा फ्यूल बर्बाद हो रहा है तो इस सिस्टम से अब ये चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेहतर तरीके से अब जो आपका प्लेन है उसको लैंड किया जा सकता है ठीक तो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट डायरेक्टर कौन है अरेमा सान्याल है इन्होंने इंदौर के आसमान में गुजरने वाले विमानों को अहमदाबाद और नागपुर तक या फिर रडार की रेंज तक ही देखा जा सकता था इन्होंने भी ऐसा बताया है सिस्टम के मुंबई से जुड़ने से इंदौर आने जाने वाले और यहाँ के आसमान से गुजरने वाले विमानों को मुंबई एयरपोर्ट पर भी अब देखा जा सकेगा ठीक है पिछले साल 90 लाख रुपए खर्च करके ए डी एस बी सिस्टम को इंदौर इंदौर एयरपोर्ट पर लगाया गया था तो आप सोच सकते हैं नब्बे लाख रुपया इसमें टोटल खर्च आया था ए टी सिस्टम में होता क्या है ई एम बेफ्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती हैं वो विमान से टकराती हैं और जीपीएस की सहायता से विमान की सही स्थिति ए की स्क्रीन पर दिखने लगती है इसके बाद विमान को सही तरीके से लैंड किया जाता है ठीक है तो ये पूरा इसका सिस्टम होता है रडार का भी यही प्रिंसिपल होता है रडार एक्चुअल में क्या होता है तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ये मैंने यहाँ पे एक रडार लगाया हुआ है ठीक है उसकी छतरी है तो कंटिन्यू क्या करता है कुछ ई एम वेब्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो छोड़ता रहता है और जैसे कोई आ, प्लेन इसकी रेंज में आता है इसकी एक रेंज होती है जैसे कोई इस प्लेन इसकी रेंज में आता है ये जो वेव्स हैं इससे टकराती हैं जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इससे वेव्स टकराएगी टकरा के फिर ये वापस आती हैं रडार के पास में ठीक है तो यहां से रडार को ये पता चल जाता है कि ई एम बेब्स वापस आ गई इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज इससे टकराई हुई है तो और इसके अलावा इसकी सेप इसका साइज ये चीज क्या है ये सारी जो एनालिसिस है रडार सिग्नल्स के वेस्ट पे कर सकता है ठीक है तो ये रडार का प्रिंसिपल होता है अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश की किस नगर पालिका ने नालों के गंदे पानी को फिल्टर कर इसका रियूज करने के प्रोजेक्ट को स्वच्छता सर्वेक्षण दो में शामिल किया है तो ये धार है जहां पर एक सीवरेज प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है और इस योजना पर काम भी शुरू हो गया है और नगर धार जो है इसने इस प्रोजेक्ट को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शामिल भी किया है इसमें नालों का जो गंदा पानी है उसको फिल्टर किया जाएगा और इसका यूज़ किया जाएगा इसमें तालाबों में मिलने वाले नालों का जो सर्वे है वो लगभग पचासी तक पूरा किया गया है और बाकी पंद्रह प्रतिशत कार्य जो है वो सात दिन में पूरा किया जाएगा जिसकी डीपीआर डिटेल डी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सरकार को भेजी जाएगी तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण दो में इसको भी हाल में शामिल किया गया है तो ये पूरा था आज का वीडियो वीडियो को यही फिनिश करते हैं थैंक यू